बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन 9 हो चुका था, क्लास 9 क्वेश्चन 10 पे आते हैं। क्वेश्चन 10 लिखा हुआ है, इफ़ ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, सी इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड ए प्लस टू बी, थ्री ए माइनस फोर बी, ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो बहुत आसान है। पहला और तीसरा पार्ट मैं कर देता हूँ, दूसरा और फोर्थ आपने करना है। नोट्स आपको दिए हुए वहाँ से लिख लेना है। ठीक है, समझना भी ये बहुत आसान है, सिर्फ मैट्रिसेस को प्लस या माइनस करना है। ठीक है, जो ब्रैकेट होगी उसको पहले सॉल्व करोगे, और ब्रैकेट के बाद जो ब्रैकेट से कोई मैट्रिक्स आएगा उसको एक बाहर वाले के साथ प्लस या माइनस कर दोगे। पहला मैं करता हूँ और तीसरा मैं करता हूँ। ठीक है, तो देखें ज़रा पहला पार्ट, ये आपको दिया हुआ है माइनस वन टू थ्री, फोर टू ज़ीरो, माइनस थ्री टू फाइव। बी दिया हुआ है थ्री माइनस वन टू, माइनस फाइव थ्री फोर, माइनस थ्री माइनस फोर ज़ीरो। इसके लिए हम प्रूव करते हैं ए प्लस टू बी। तो बहुत आसान है, ए प्लस टू बी इज इक्वल टू, ए की जगह ए रखा, ए मेरे पास कितना है माइनस वन टू थ्री, फोर टू ज़ीरो, फोर टू ज़ीरो, माइनस थ्री टू फाइव, माइनस थ्री टू फाइव, प्लस टू इन टू बी। बी मेरे पास क्या लिखा हुआ है थ्री माइनस वन टू, थ्री माइनस वन टू, माइनस फाइव थ्री फोर, माइनस फाइव थ्री फोर, और माइनस थ्री माइनस फोर ज़ीरो। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, ये मैट्रिक्स अपनी जगह पे, इसको टू के साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर दोनों को आपस में प्लस कर दो। माइनस वन टू थ्री, माइनस वन टू थ्री, फोर टू ज़ीरो, फोर टू ज़ीरो, माइनस थ्री टू फाइव, माइनस थ्री टू फाइव। यहाँ से क्या करना है, टू को अंदर मल्टीप्लाई करना है, टू थ्री ज़ार सिक्स, टू मल्टीप्लाई बाय माइनस वन माइनस टू, टू टू ज़ार फोर। ठीक है, और टू फाइव ज़ार टेन, और टू थ्री ज़ार सिक्स, टू फोर ज़ार एट, टू थ्री ज़ार सिक्स, टू फोर ज़ार एट, टू ज़ीरो ज़ार ज़ीरो। आप इन दो मैट्रिसेस को आपस में जमा करना है। ठीक है, जमा कर दो, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट माइनस वन प्लस सिक्स, माइनस वन प्लस सिक्स, टू प्लस माइनस टू, टू प्लस माइनस टू, थ्री प्लस फोर, थ्री प्लस फोर। ठीक, फिर फोर प्लस माइनस टेन, फोर प्लस माइनस टेन, टू प्लस सिक्स, टू प्लस सिक्स, ज़ीरो प्लस एट, ज़ीरो प्लस एट, फिर माइनस थ्री प्लस माइनस सिक्स, माइनस थ्री प्लस माइनस सिक्स, टू प्लस माइनस एट, टू प्लस माइनस एट, फाइव प्लस ज़ीरो, फाइव प्लस ज़ीरो। ठीक है, अब जमा करो, सिक्स में से वन निकाला फाइव, टू माइनस टू, थ्री प्लस फोर कितना हो जाएगा सेवन, फोर माइनस टेन, फोर माइनस टेन, टू प्लस सिक्स एट, ज़ीरो प्लस एट एट, माइनस थ्री माइनस सिक्स, टू प्लस इंटू माइनस माइनस एट, फाइव प्लस ज़ीरो कितना हो जाएगा फाइव। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फाइव अपनी जगह पे, टू टू में से टू निकाला ज़ीरो, सेवन अपनी जगह पे, फोर में से टेन में से फोर निकाले या फोर में माइनस टेन कितना हो जाएगा माइनस सिक्स, एट अपनी जगह पे, एट अपनी जगह पे, माइनस थ्री और माइनस सिक्स जमा हो जाएंगे माइनस नाइन, टू में से एट निकाला माइनस सिक्स और फाइव अपनी जगह पे, ये मेरे पास आया ए प्लस टू बी। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं, इसका दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, दूसरा पार्ट है इसका, दूसरा पार्ट आप लोगों ने खुद करना है, तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरा पार्ट है क्या, तीसरा पार्ट है ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी, ए प्लस बी माइनस सी हमने फाइंड करना है। तो बहुत आसान है, पहले ए और बी को प्लस करेंगे और उसमें से सी को माइनस कर देंगे, क्योंकि ब्रैकेट पहले साल होती है। ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू, अब ए और बी ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में देखो ए की जगह ए, ए कितना है माइनस वन टू थ्री, माइनस वन टू थ्री, फोर टू ज़ीरो, फोर टू ज़ीरो, माइनस थ्री टू फाइव, ये क्या है ए, प्लस बी, प्लस बी, बी मेरे पास कितना है, बी है थ्री माइनस वन टू,
थ्री माइनस वन टू माइनस फाइव थ्री फोर माइनस फाइव थ्री फोर माइनस थ्री माइनस फोर ज़ीरो माइनस थ्री माइनस फोर ज़ीरो। ये दो आगे ब्रैकेट में, ठीक है। ये क्या आया a प्लस बी, आगे क्या है माइनस सी, माइनस सी को फिलहाल इसे इसी तरह लिख दे, बाद में इसकी वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं है, ठीक है। अब प्लस करो माइनस वन प्लस थ्री, माइनस वन प्लस थ्री, टू प्लस माइनस वन, टू प्लस माइनस वन, थ्री प्लस टू, थ्री प्लस टू, ठीक है। फोर प्लस माइनस फाइव, फोर प्लस माइनस फाइव, टू प्लस थ्री, टू प्लस थ्री, और ज़ीरो प्लस फोर, ज़ीरो प्लस फोर। इसी तरह माइनस थ्री प्लस माइनस थ्री, माइनस थ्री प्लस माइनस थ्री, और टू प्लस माइनस फोर, टू प्लस माइनस फोर, टू प्लस माइनस फोर, फाइव प्लस ज़ीरो, फाइव प्लस ज़ीरो, और प्लस सी अपनी जगह पे, ठीक है। सी की जगह भी मैटर इसलिए नहीं पुट किया कि स्पेस में ही आप लोग पुट कर सक रहे हैं अगर जगह हो, ठीक। अब क्या होगा, नज़र से इसी नहीं आई, यहाँ नज़र आ गए, थ्री में से वन निकाला टू, टू माइनस वन, फाइव में टू जमा किया, थ्री में टू जमा किया फाइव, फोर माइनस फाइव, टू प्लस थ्री फाइव, ज़ीरो प्लस फोर फोर, माइनस थ्री माइनस थ्री, टू माइनस फोर, फाइव प्लस ज़ीरो कितना हो जाएगा फाइव प्लस सी। अब टू अपनी जगह पे, टू में से वन निकाला वन, फाइव अपनी जगह पे, फोर में से फाइव निकाला माइनस वन, फाइव अपनी जगह पे, फोर, थ्री माइनस थ्री कितने हो जाएंगे माइनस सिक्स, माइनस थ्री में माइनस से जमा किया माइनस सिक्स, टू में से फोर निकाला माइनस टू, फाइव अपनी जगह पे, प्लस सी की जगह सी मैट्रिक्स पुट करो। अब सी मैट्रिक्स पुट करो, सी मैट्रिक्स क्या है, टू माइनस थ्री सिक्स, टू माइनस थ्री सिक्स, दूसरी रो क्या है ज़ीरो फोर माइनस वन, ज़ीरो फोर माइनस वन, बुक सामने रख के लिखना, माइनस फाइव वन थ्री, माइनस फाइव वन थ्री। अब इन दोनों को क्या करना है, जमा करना है, सिंपल इनको जमा करो, टू प्लस टू, वन प्लस माइनस थ्री, फाइव प्लस सिक्स, माइनस वन प्लस ज़ीरो, फाइव प्लस फोर, फोर प्लस माइनस वन, माइनस सिक्स प्लस माइनस फाइव, ठीक है, माइनस टू प्लस वन, फाइव प्लस थ्री, ठीक। जमा करो क्या हो जाएगा, टू प्लस टू फोर, वन माइनस थ्री, फाइव प्लस सिक्स अलेवन, और जी माइनस वन प्लस ज़ीरो तो माइनस वन ही आएगा, फोर प्लस फाइव नाइन हो जाएगा, फोर माइनस वन, माइनस सिक्स माइनस फाइव, माइनस सिक्स प्लस इंटू माइनस माइनस फाइव, माइनस टू में से वन निकाला माइनस वन, फाइव प्लस थ्री कितने हो जाएंगे एट, ठीक। तो क्या हो जाएगा, फोर अपनी जगह पे, वन में से थ्री निकाला माइनस टू, अलेवन अपनी जगह पे, माइनस वन अपनी जगह पे, अब नाइन अपनी जगह पे, फोर में से वन निकाला थ्री, माइनस सिक्स और माइनस फाइव कितने हो जाएंगे माइनस अलेवन, माइनस वन और एट। ये आपके पास क्या आया, ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है। तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपका होमवर्क है, रिमेनिंग पार्ट आपका होमवर्क है, जैसे कि दूसरा पार्ट और फोर्थ पार्ट, ये आपका होमवर्क है। घर में कुछ लोगों ने लिखा होगा, जिन्होंने लिखा है वो सेकंड टर्म का होमवर्क शुरू करें, और जिन्होंने नहीं लिखा वह साथ साथ लेके मुझे पिक्चर सेंड करें। थैंक यू।